टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के नए रामसर स्थलों की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत ने 11 आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थलों के रूप में नामित किया है। गौरतलब है कि बीते दिनों भारत की 15 आर्द्रभूमियों को रामसर साइट घोषित किया गया था। इसके साथ ही देश में इन स्थलों की कुल संख्या 75 हो गई है। चलिए जानते हैं नए आर्द्रभूमि क्षेत्रों के बारे में। हाल ही में शामिल की गई नई वेटलैंड साइट्स हैं ओडिशा में तंपारा झील, हीराकुंड जलाशय एवं असुंपा झील, मध्य प्रदेश में यशवंत सागर, तमिलनाडु में चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वुडवूर पक्षी अभयारण्य और कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य, इसी तरह महाराष्ट्र में ठाणे क्रिक, इसी तरह जम्मू कश्मीर में हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। चलिए जान लेते हैं रामसर स्थल के बारे में। यह रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि होती है। रामसर कन्वेंशन को द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के रूप में भी जाना जाता है। इस कन्वेंशन को 1971 में ईरान के रामसर में अपनाया गया था। यह एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है और यह वर्ष 1975 में लागू हुई। यह आर्द्रभूमि संरक्षण और उनके संसाधनों के सतत उपयोग के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करती है। भारत द्वारा इस पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए गए। चलिए अब नजर डाल लेते हैं कि आखिर रामसर स्थल के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं और कैसे एक भूमि को रामसर साइट्स का दर्जा मिलता है। तो इन मानदंडों में शामिल है, यदि इसमें प्राकृतिक आर्द्रभूमि प्रकार का कोई दुर्लभ या अद्वितीय उदाहरण शामिल हो, यदि इसमें वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड या संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल हों, यदि इसमें जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण पौधों और जानवरों की प्रजातियां शामिल हों, यदि यह नियमित तौर पर 20,000 या अधिक जल पक्षियों का समर्थन करती हो, यदि इसमें नियमित रूप से वाटर बर्ड की एक प्रजाति या उप प्रजाति की आबादी में लगभग 1% आबादी हो, यदि यह पौधों और जानवरों को प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान आवास प्रदान करती हो, यदि यह मछलियों के लिए भोजन, स्पॉनिंग ग्राउंड, नर्सरी या प्रवास पथ का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो, और यदि इसमें आर्द्रभूमि पर निर्भर नॉन एवियन पशु प्रजातियों की उप प्रजातियों की लगभग 1% आबादी हो। चलिए अब रामसर साइट से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं। वैश्विक स्तर पर आर्द्रभूमि क्षेत्र दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 6.4% कवर करते हैं। दुनिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाले देश क्रमशः यूनाइटेड किंगडम जहां 175 रामसर साइट हैं और मैक्सिको है जहां 142 ऐसी साइट्स मौजूद हैं। देश में तमिलनाडु में सबसे अधिक 14 रामसर स्थल हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है जहाँ 10 रामसर स्थल मौजूद हैं। चलिए अब वक्त हो चला है अभ्यास प्रश्न का। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी साइट्स हाल ही में रामसर साइट्स के अंतर्गत शामिल की गई हैं? पहला चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य, दूसरा सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तीसरा हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और चौथा यशवंत सागर। तो नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।